हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशन पवार है। आज जो बताने जा रहा हूँ वो है स्पाइस गेमिंग एक्स टू मोबाइल के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त इसका परफॉर्मेंस है। तो इसके पहले मैं आपको इसके मेजर मेजर पॉइंट्स बोल देता हूँ कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या रहेगा और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई इसका जो परफॉर्मेंस है वो ज़बरदस्त है और कम रेट में बहुत ही चीपेस्ट मोबाइल है एंड ज़बरदस्त ऐसा ब्रांड है उसका, तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कम पैसे में एकदम ज़बरदस्त आपको स्टाइलिश मोबाइल प्लस उसका बैटरी बैकअप, बाद में एकदम रफ एंड टफ आप यूज़ कर सकते हैं इस मोबाइल को। तो इस मोबाइल के मैं सबसे पहले आपको जनरल कैटेगरी में बोल देता हूँ कि ब्रांड रहेगा इसका स्पाइस, मॉडल गेमिंग एक्स टू, सिम जो है इसमें डुअल सिम रहेगा GSM प्लस GSM एंड जो नेटवर्क जो है वो है 2G। और इसके डिज़ाइन के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका जो वेट रहेगा वो रहेगा 110 ग्राम, कलर रहेगा ब्लैक एंड रेड में। अगर उसका हाइट देखा जाएगा तो वो रहेगा 137.66.7 विड्थ एंड 1415 उसका रहेगा थिकनेस। थिकनेस इतना भी नहीं है, 14.5 mm तक उसका थिकनेस रहेगा। डिस्प्ले के बारे में अगर बात किया जाए तो स्क्रीन साइज रहेगा 244 इंच मीन्स 6.1 सेंटीमीटर। स्क्रीन रेजोल्यूशन रहेगा 240x320 पिक्सल। डिस्प्ले टाइप TFT एंड जो इसका परफॉर्मेंस है वो है प्रोसेसर। स्टोरेज कैपेसिटी रहेगा इसका 8GB का। और कैमरे के बारे में अगर बात किया जाए तो ये रहेगा 1.3 मेगापिक्सल कैमरा। इमेज रेजोल्यूशन जो रहेगा वो रहेगा 1280x1024 पिक्सल। कैमरा फीचर्स में देखा जाएगा तो ये रहेगा डिजिटल जूम। और बैटरी सबसे इम्पॉर्टेंट इस मोबाइल में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया तो वो बैटरी बैकअप। एक बार अगर मैंने चार्जिंग किया तो मुझे 3-4 दिन चार्जिंग करने का जरूरत नहीं, इतना ज़बरदस्त इसका बैटरी बैकअप है। कैपेसिटी इसका 1000 mAh टाइप Li-ion, यूज़र रिप्लेसेबल यस। नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका नेटवर्क है 2G GSM, GPRS चलेगा एंड इसको ब्लूटूथ भी रहेगा। मल्टीमीडिया में के बारे में देखा जाए तो मल्टीमीडिया में सभी रहेगा, इसमें FM रहेगा जो कि वायरलेस है, लाउड स्पीकर यस, ऑडियो में MP3, WAV, MIDI, वीडियो प्लेयर भी चलेगा, वीडियो फॉर्मेट 3GB, MPEG-4 एंड रिंगटोन वगैरह तो सभी में रहता है, प्लस वाइब्रेशन भी है म्यूजिक में यस, अभी MIDI, MP3 भी, जो भी मैंने आपको बोला था। और गेम्स के बारे में देखा जाए तो इसमें बहुत सारे, मुझे तो लगता है कि 16 या 17 कैटेगरीज में टोटल 1000 गेम इनबिल्ट उसमें डाले हुए हैं। ब्राउजर यस, वेब, फोन बुक रहेगा, अदर फैसिलिटी में देखा जाए तो कैलकुलेटर, स्टॉप वॉच, वर्ल्ड क्लॉक, कैलेंडर एंड अलार्म। जो भी आप नया मोबाइल लेंगे तब आपको पूरा बॉक्स में एक चार्जर मिलेगा, हेडफोन मिलेगा और पूरा सेट जो भी रहेगा वो बॉक्स में वो आपको मिल जाएगा। तो ये होगा इस मोबाइल के बारे में स्पेसिफिकेशन। इसका यूज़र रिव्यू अगर देखेंगे आप तो बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटर देखेंगे तो इसका पहले कॉम्पिटिटर था अपना नोकिया का एंगेज, जो कि अभी नहीं है मार्केट में, बट उसका लुक और इसका लुक करीबन पूरा का पूरा 101% सेम है। यानी कि अगर अभी आप लेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि 1% भी इधर उधर नहीं है। और मुझे तो लगता है कि उससे भी ज़बरदस्त इसका लुक जो है बहुत ही स्टाइलिश है। और प्राइस देखे जाएंगे तो 2000 के अंदर ही आपको ये मोबाइल मिल जाएगा। मैंने तो कुछ 1200 या 1300 में ही लिया था वो मोबाइल ईबे से। ये है इस मोबाइल के बारे में। तो आप देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा इस मोबाइल का परफॉर्मेंस, बहुत ही वो कम रेट में बहुत ज़बरदस्त ऐसा, मुझे लेके अभी 9 या 10 महीने हो गए तो बहुत ही, यानी कि बैटरी तो आप एकदम ज़बरदस्त है, बैटरी के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।